गुड इवनिंग एंड वेलकम टू TGT BGT टी पी जी टी अलाउट मेरी फॉर सेवन आम प्रोफेसर एश्वार्यापुरी ओर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर आज की क्लास में हम जॉन कीट्स को पढ़ेंगे जिन्हें रोमांटिक पोइट्स में सबसे सेंशुअस माना जाता है वर्शिपर ऑफ ब्यूटी माना जाता है द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ एस्थेटिसिज्म माना जाता है एक क्लास में इनके सभी एस्पेक्ट्स एग्जाम रेडी सभी पॉइंट्स साथ ही साथ सभी फेमस पोएम्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और समरीज सब एक ही क्लास में कर देंगे तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन जॉन कीट्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो मजोरिटी हमें देखने को मिलता है वो है उनकी डेथ एज पे बिकॉज बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी ओनली एट द एज ऑफ 25 फाइव विथ ट्यूबोक्यूलॉसिस ना बैक इन द डे ट्यूबरकुलोसिस को ये कंजम्पशन बुलाते थे सो इन द रीजन ऑफ डेथ एंड इनकी एज ऑफ डेथ ये मैं इसके आगे एक स्टार लगाना लगा देना चाहती हूँ बिकॉज मजोरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं इनके यंगर ब्रदर की डेथ भी कंजम्पशन से हुई थी इनकी मदर की डेथ भी कंजम्पशन से ही हुई थी जब तक बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए हमारे साथ रहे ऑल दो इसी पीरियड में उन्होंने कमाल की पोइटिकल कॉम्पोजिशन की इनकी लिटरली प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई रही उसके बावजूद आप मान के चलिए कि एक सेंस ऑफ डिफ़िकल्टी रही इनको अपने ही टाइम में पॉजिटिव रिव्यूज़ लेने में पर्टिकुलरली उस पीरियड में स्कॉटिश रिव्यू ब्लैकवुड्स मैगज़ीन क्वार्टरली रिव्यू जैसी मैगज़ीन्स ने इनके वर्क्स को नेगेटिवली रिव्यू ही किया जिसका भी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ और इनकी हेल्थ पे बढ़ा ऑल बाद में क्रिटिक्स ने इनको पिक किया और इनको एक ग्रेट पोइट अक्लेम किया जॉन गिब्सन लॉकहार्ट बहुत ही फेमस राइटर क्रिटिक हैं उन्होंने इन्हें एक वाल्गर कॉकनी पोइटेस्टर बुलाया था वाल्गर इज संबडी हु यूजेज कोलोकियल पोइटिक डिक्शन एंड डजन यूज हाई पोइटिक डिक्शन कॉकनी बैक इन द डे लंडन एरिया में जो लोग रहते थे और uh, थोड़ी सी इलीटेस्ट डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश बोलते थे उस इलीट इंग्लिश डायलेक्ट को कॉकनी डायलेक्ट बुलाते थे पोइटेस्टर मीन्स अ वुड बी पोएट समबडी हु वॉन्ट्स टू बी अ पोएट हु ट्राइज टू बी अ पोएट बट इज नॉट अ गुड पोएट सो ये एक नेगेटिव टर्म उनको दिया गया था जॉन विल्सन क्रोकर ने उनको बुलाया था द मोस्ट इनकॉन्क्रूअस आइडियाज इन द मोस्ट अनकाउड लैंग्वेज सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपनी पोइट्री में लैंग्वेज को ट्रीट किया है जिस तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है उस वजह से इन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड में इन्हें नेगेटिव रिव्यूज मिले लेकिन जब इन्होंने इवेंचुअली लिखना शुरू किया आगे तब जाकर यही उनका आइडिया द फैक्ट कि वो ब्यूटी के अराउंड लिख रहे थे द फैक्ट कि वो सेंशुअस पोइट्री लिख रहे थे आने वाले टाइम्स में एंड इनफैक्ट टिल टुडे यही इनका यूएसपी है इसी के लिए इनको जाना जाता है इसी के लिए इनको अप्रिशिएट किया जाता है अब हम इनकी पोएम इनकी लाइफ को बायोग्राफिकली ट्रेस करेंगे तो राइट फ्रॉम तो द बिगनिंग और धीरे धीरे करके इनकी पूरी पोइटिकल जर्नी को भी स्टडी करेंगे फिर हम इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स पर आ जाएंगे सो so, इन्होंने बहुत ही यंग एज से वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन शुरू कर दिया था इन इंग्लिश और बचपन से इनके ऊपर एडमेंट स्पेंसर के वर्क्स का फॉर एग्ज़ाम्पल एडमेंट स्पेंसर की फेरी क्वीन का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा था ये जो स्कूल में पढ़ते थे उनके हेड मास्टर का नाम था जॉन क्लार्क और उनके सन कॉर्डन क्लार्क के साथ इनकी बेस्ट फ्रेंडशिप रही बचपन से ही कॉर्डन क्लार्क बचपन से एक पोएट बनना चाहते थे जॉन कीट्स का करियर पहले ही बिगन एज अ मेडिसिस्ट एज एन एपोथिकरी

तो इनिशियली उन्होंने उनको कॉपी करना शुरू किया तो वहाँ से उन्होंने ये आइडिया बोरो किया कि उनको अपनी पोएम्स में विविड इमेजरी को रिच इमेजरी को इन्वोक करना है पोएम लाइवलीनेस और वाइटैलिटी से भरी रहनी चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड रहे ये सारे आइडियाज उनके ओरिजिनली उन मतलब जब ये पोएट्स लिख रहे थे तब इन्होंने सोचा नहीं था कि अच्छा हम एक दिन रोमांटिक पोएट्स बन जाएंगे और हमें नेचर पोएट्स के नाम से जाना जाएगा इस तरीके से इनिशियली इनका प्लान नहीं था ये स्पेंसर को इमिटेट कर रहे थे वहाँ से इन्होंने नेचर को बोरो किया और अपनी पोएम्स में यूज़ करना शुरू किया अपने फ्रेंड कॉर्डन क्लाक की वजह से ये लिटरेरी सर्कल्स में इनका उठना बैठना रहा इवेंचुअली एटीन में इनकी मुलाकात होती है ले हंड से जो पीरियड के एक बहुत बहुत ही फेमस प्रोज राइटर और एडिटर थे और जिनकी बहुत ही फेमस मैगजीन भी थी दी एग्जामिनर दी एग्जामिनर रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती एक मैगजीन थी तो उठना बैठना उसी सर्कल में हुआ ये कोलोरेज उनको उसी पीरियड में मिले शैली उनको वहीं से मिले एंड uh, लेह के थ्रू चार्ल स्लैम उनको वहीं पर मिले तो ये सभी राइटर्स एक दूसरे के फ्रेंड्स थे इवेंचुअली और इन्हीं सर्कल्स में उठते बैठते uh, इनके मन में अपनी पोइटिकल सेंसिबिलिटीज और पोलिटिकल थियोरीज भी डिवेलप हुई तो उनका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द रोमांटिक लिटरेचर भी डिवेलप हुआ बिकॉज रोमांटिक लिटरेचर उस टाइम के पोएट्स के लिए एक ऐसा मीडियम था टूल था जरिया था जिसके थ्रू वो रेवोल्यूशन ब्रिंग

इलियाड और ओडिसी पढ़ी इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ी जिसे जॉर्ज चैपमैन ने किया था इन द दिन सेंचुरी तो जॉर्ज चैपमैन की उन सॉरी इन द सेंचुरी जॉर्ज चैपमैन ये सेवनटीन होगा यहाँ पे माय बैट इट शुड बी एटीन सेंचुरी ये आप करेक्ट कर लेना प्लीज सो एटीन सेंचुरी की जॉर्ज चैपमैन की फेमस ट्रांसलेशन को उन्होंने पढ़ा और ये पढ़ना ये इस बुक्स से अवेयर होना उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज uh, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि दिस इज़ समथिंग दैट ही वांट्स टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सो ही डिसाइडेड नॉट टू एंटर इनटू द स्कूल ऑफ सर्जरी एंड देन ही एंटर फुल टाइम इन द पोइटिक सर्कल्स पोइट बन गए लिटरेरी सर्कल्स में आ गए फर्स्ट मेजर बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने उठाया था वो था एंडीमियन एंडीमियन उनकी वो फेमस पोएम है जिसकी फेमस ओपनिंग लाइंस हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अजॉय फोर एवर सो ब्यूटी की अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने बहुत ही पहले डेवलप कर ली थी थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉय फॉर एवर मतलब उन्होंने कहा कि ब्यूटी की कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी विजन है वो आपको इटर्नल हैप्पीनेस इटर्नल जॉय और डिलाइट प्रोवाइड करेगा सो so, ये पोएम पे उन्होंने एटीन एटीन उससे पहले लिखना शुरू कर दिया था एटीन एटीन में एवेंचुअली ये वर्क पब्लिश होता है और थाउजेंड लाइन्स लॉन्ग ये पोएम थी और एंड इट इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ अ मॉटल शेपर्ड किंग एंडिवियन एंड हिज लव फॉर गॉडिस सिलीन और सिंथिया गॉडेस सिली और सिंथिया जो मून गॉडेस थी ये शेपर्ड किंग का लव एंड द क्वेस्ट टूवर्ड्स हर दैट इज़ वॉट द थीम ऑफ द पोएम इज़ फोर बुक्स में ये पोयम डेडिकेटेड है रिटन है ईच बुक कैरीज थाउजेंड लाइन्स सो फोर थाउजेंड लाइन्स लॉन्ग ये पोयम थी काफ़ी लंबी थी उसके बाद ये अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे चले गए इट was ओनली आफ्टर ही रिटर्न बैक that ही रियलाइज दैट उनके एंडी में उनको बहुत ही नेगेटिवली रिव्यू किया गया था क्रिटिक किया गया था पर्टिकुलरली ब्लैक मैगज़ीन ने और क्वार्टरली मैगज़ीन ने इनके वर्कस को बहुत ही नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ किया एक रिबटल उनको वहाँ पर देखने को मिला अब ये ट्रिप पे उनको अपने पहले सिम्टम्स ऑफ ट्यूबर की लॉसेज भी आ गए थे तो एक तरफ फिजिकली भी हिस हेल्थ वॉश शटिंग डाउन हिस बॉडी शटिंग डाउन

उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप इस ईयर में ट्यूमिलटुअस ही चल रहा था सो ओवरऑल फिजिकली मेंटली इमोशनली इट वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम जिसकी वजह से इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है लेकिन सर एटीन नाइनटीन इनके लिए एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड आता है ऑल दो इनकी हेल्थ अभी भी बिगड़ रही थी लेकिन इस पीरियड में उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशंस दी सिक्स फेमस ओड्स उन्होंने इसी पीरियड में पब्लिश की थी ओड ऑन इंडोलेंस ओड ऑन अग्रीजन अन ओड टू अ ओड टू अटिल ओड ऑन एंड ओड टू ऑटम इन्हें उनकी ग्रेट ओड्स भी बुलाया जाता है सो एक ग्रेट ओड्स उन्होंने 1819 में लिखी पब्लिश की इसके अलावा कुछ और फेमस इनकी नेरेटिव पोएम्स हैं जैसे कि लेमिया द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये कुछ हाई फॉल ऑफ हाई वो पोएम्स भी अराउंड 1819 लिख रहे थे एटीन ट्वेंटी तक हैड पोएसो कम आउट सो ये इनके लिटरेरी करियर का ग्रेटेस्ट ईयर रहते हैं एटीन टू एटीन सो ऑल अभी भी इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट ही कर रही थी और इनको अपने क्रिटिकल सर्कल से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी नहीं मिल रहे थे लेकिन ये ग्रेट वर्क उन्होंने फिर भी पब्लिश किए फाइनली uh, इनकी डेथ हो जाती है बिफोर ही को टर्न 26 उस साल अगर कुछ और महीने ये जी लेते तो 26 के हो जाते बट ही डाइड एट द एज ऑफ 25 लेकिन आज हम उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू उनकी लाइफ और उनके लिटरेरी बायोग्राफी का अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं जो जॉन कीट्स के साथ एसोसिएटेड uh, हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले मैं इस टर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ विच इज़ नेगेटिव केपेबिलिटी ये टर्म आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है इस टर्म को सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था इन द ईयर एटीन उनका कहना है कि द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ पोइटिकल क्रिएशन इट इज सो टिडियस एंड समटाइम्स इट इज़ सो हैवी ऑन द पोएट इट सेल्फ दैट इट लीड्स हिम इन टू अ स्टेट ऑफ फिलोजॉफिकल एम्बिग्विटी बट द ए अबिलिटी ऑफ अ पोएट टू स्टिल कैरी ऑन हिज पोइटिकल वर्क हिज पोइटिकल वेंचर डिस्पाइट ऑफ दैट फिलोजॉफिकल एम्बिग्विटी इज नोन एज नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या मतलब इस बात का इसका मतलब कि एक इंसान जो जिंदगी के बारे में जीवन क्या है मौत क्या है मरने के बाद कहाँ जाते हैं ये जो सारी डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है आ, एक पोएट जब एक लिखने के प्रोसेस में होता है बिकॉज वो इतना सोच लेता है वो अपनी सोल को इतना एक्सपैंड कर लेता है कि वो इन सभी क्वेश्चन के बारे में सोचने लगता है और क्योंकि अभी तक इनके ऊपर हमें जवाब नहीं मिले हैं तो वो एक फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटी की स्टेट में आ जाता है लेकिन स्टेज में आने के बाद भी अगर पोएट लिखता चला जाए और वो फिलोसॉफिकल एम्बिग्विटी का स्टेज उसको एक हिंड्रेंस ना प्रोवाइड करे ये एबिलिटी बहुत ही कम पोएट्स में होती है इस एबिलिटी को उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी बुलाया है और उनके हिसाब से इसके ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर विलियम शेक्सपियर थे विलियम शेक्सपियर ने ब्यूटिफुल लिटरेचर क्रिएट किया ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक ब्यूटी क्रिएट की डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज ब्रॉट इन टू दी स्टेजेस ऑफ फिलोसॉफिकल अनसर्टनिटीज एट टाइम्स सो दिस इज़ द टर्म दैट ही यूज विच इज़ नेगेटिव केपेबिलिटी अब हम एक एक करके कुछ उनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स को देख लेते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके ओड्स में से बनते हैं मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी आपको यूट्यूब पर मेरी दूसरी क्लासेज भी मिल जाएंगी जहाँ पर मैंने ये सभी छः की छः ओड्स को लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड डिस्क्राइब किया है एक्सप्लेन किया है ये करने का मेरा पर्पस ये था कि आपकी ओड्स में से कोटेशंस बनते हैं और कहाँ से बनते हैं वो नहीं मैं बता पाऊंगी बिकॉज पूरी पूरी पोएम्स से कहीं से भी कोट बन जाता है तो so, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर अपने पार्ट पे अपनी ओट्स को रीड करके रखने की अगर टू डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है तो यूट्यूब पे मेरी वो वीडियोस देख लीजिए uh, रोज़ का एक एजेंडा बना लो आज एक पोएम की वीडियो देख ली आज एक पोएम की वीडियो देख ली यू कैन सिंपली टाइप माई नेम एशवार पुरी ओड ऑन अंग्रीजन ऑन यूट्यूब पे एंड यू विल फाइंड फाइन दोजीडियोज़ एंड वहाँ से आप इन नोट्स को कवर कर सकते हैं इनके कोटेशन को कवर कर सकते हैं तो फॉर द सेक ऑफ टूडेज क्लास ऑफ़ मैं सभी ओड्स को एक बार ब्रीफली गो थ्रू जरूर करने वाली हूँ आपके पास तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उनकी फेमस पोएम ओड टू अ अटिंग ओड टू अ अल एक ऐसी पोयम है जिसमें वो हमें रियालिटी और फिक्शन के बीच की एक स्टेज में ले जाते हैं नाइटेंगेल का सॉन्ग सुन के वो इतने इंचैंटेड हो जाते हैं इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो जो फिजिकल पेन महसूस कर रहे थे अपनी बीमारी की वजह से वो अ मोमेंट उसको भूल जाते हैं वो एक ट्रांस लाइक सिचुएशन में आ जाते हैं और इस सिचुएशन में आकर वो अपने सारे पेन्स और सारी सफरिंग्स को भूल जाते हैं बाई द एंड ऑफ द पोएम उनको इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये नाइटिंग एक रियल बर्ड थी या फिर ये किसी तरीके का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर था जो यहाँ पर फॉर अ मोमेंट उन्हें पीस और ट्रैंक्वलिटी प्रोवाइड करने आया था अब नाइटिंगेल के सॉन्ग्स को सिंस टाइम से मेमोरियल पेन सफरिंग मिलेंकॉली के साथ जोड़ा गया है ये मैंने कल भी आपको बताया था जब हम कोलरिज पढ़ रहे थे कि नाइटिंगेल के सॉन्ग को हमेशा मिलेंकॉली के साथ जोड़ के देखा गया है लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में जब मैं इस नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन रहा हूँ मुझे मिलान मिलेंकॉली नहीं फील हो रही है इनफैक्ट मैं अपने पेन और सफरिंग को भूलता चला जा रहा हूँ मुझे इमोटेलिटी का एहसास हो रहा है मुझे इटर्निटी का एहसास हो रहा है ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन सोल का एहसास मतलब हमेशा, हमेशा जर्नी तो जो हमारी बॉडी नहीं ले पाती लेकिन सोल ले लेती है जिस, इसको हम बुलाते हैं द ट्रांस ऑफ ह्यूमन सोल सो इस मोमेंट में इस ट्रांस लाइक सिचुएशन में वो ह्यूमन सोल की ट्रांजिएंट नेचर को भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं विच इज ग्रेट Poem K. May uh, he ends the poem on a very somber note by accepting the fact of human mortality. वो ये बात समझ रहे हैं कि दिस बर्ड इज़ गॉन इट इज़ नो मोर देयर एंड ही विल हैव टू नाउ डील विद हिज ओन पेन एंड सफरिंग एंड ऑल्दो ही इज नॉट श्योर इफ द बर्ड वॉज रियल और इफ़ इट वॉज अ सुपर नेचुरल कैरेक्टर बट वन थिंग ही इज़ क्वाइट श्योर ऑफ इज़ दैट ही विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही हैज़ टू डाई वेरी सूट सो इस एक्सेप्टेंस के नोट पे वो अपनी इस फेमस ओड को फिनिश करते हैं ठीक है नेक्स्ट ओड हम देख रहे हैं ओड टू ऑटम स अपनी सभी छः पोएम्स में से सबसे लास्ट में उन्होंने इसको लिखा था बिकॉज बाकी की जो पाँच ओड्स हैं वो उन्होंने अराउंड समर्स लिखी थी ये एक ओड है जो उन्होंने ऑटम के सीजन में लिखी थी एंड uh, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वो ओड भी है जो उनकी सबसे सेंश पोएम भी मानी जाती है सबसे सेंश ओड भी मानी जाती है ये आपका किसी टी जी जी टी एग्जाम का पी वाई क्यू भी है रीजन क्या है इसका बिकॉज इस पोयम को आप जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा आपको जैसे कि एक सिंगल नैरेटिव आपको दिया जा रहा है बल्कि ऐसा लगेगा कि बहुत सारी जैसे एक धागा लेकर बहुत सारी इमेजेस को एक साथ स्ट्रिंग टुगेदर कर दिया है एक माला की तरह ये उनको लगेगा आपको लगेगा जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो बहुत सारी जैसे इंडिविजुअल पिक्चर्स को इमेजरीज को जोड़ के उसका एक माला बना दिया है एक, एक कुलाज बना दिया है ये पोएम कुछ इस तरीके से आपको लगेगी सो so, इस पोएम में असेंशली वो अपने स्टैंडर्स के थ्रू ही मूव फॉरवर्ड टू डिस्क्राइब हाउ द सीजन ऑफ ऑटम मच्योर्स एंड हाउ द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड हाउ फ्राम दी क्रॉप ऑफ एपल साइडर इज क्रिएटेड फार्म में क्या हो रहा होता है ऑल्सो एट द सेम टाइम वो इस पोएम में ऑटम को परसोनिफाई भी करेंगे तो परसोनिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पोएम का बिकॉज इस पोएम में ऑटम आपको एक गॉडेज की तरह जीती जागती दिखेगी और उनके फिजिकल फीचर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है जैसे ह्यूमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया हो इसलिए इस पोइम में पर्सोनिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेक्स्ट पोएम में हम देख रहे हैं ओटो मिलैकली ए ओड टू मिलेंकोलिंग की वो एक ऐसी पोयम है एक ऐसी ओड है जो कि एक रेगुलर ओड के फॉर्मेट में लिखी गई है यानी कि तीन स्टांजाज में कम्पोज है स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी ई पोडी सो इस पोएम के फर्स्ट स्टैंडा में वो हमें बताएंगे कि अगर एक इंसान मिलोंग स्टेट में है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए मतलब उसको स्यूसाइडल थाट्स नहीं आने चाहिए उसको ओवर नहीं करनी चाहिए उसको अलोन नहीं रहना चाहिए सेकेंड स्टांजा में फिर वो बताएंगे कि आ, अगर आप मिलेंकॉली की स्टेट में है डिप्रेशन की स्टेट में है तो आपको क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए आपको नेचर का सहारा लेना चाहिए आपको अपनी बिलावट की आंखों में देखना चाहिए आपको लव का सहारा लेना चाहिए है ना आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है ये वो एक्सप्रेस करेंगे पोएम के फाइनल स्टैंडर में वो आपको बताएंगे कि उनका फाइनल कंक्लूजन क्या है बिकॉज ही ऑल्सो हैज ऑफ्टनलीमर्स इन दिस एक्सपीरियंस ऑफ मिलैंगली तो फाइनली अब इस बात की फिलोजॉफिकल रियालिटी क्या है तो वो बोलेंगे फिलोजॉफिकल रियालिटी ये है कि जिंदगी है कभी खुशी कभी गम आप अगर लाइफ में जॉयज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको सैडनेस उसी के साथ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी आपको एक स्टेट ऑफ मिलेंकॉली में रहना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप मिलैंगली को एंजॉय नहीं कर सकते तब तक आप लाइफ के जॉयज़ को भी हैप्पीनेस को भी हैप्पी मोमेंट्स को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे ये वो बताते हैं अपनी फेमस ओ टू मिलैकौली में <clears throat> फिर आ जाती है उनकी सबसे फेमस ओड ओड ऑन अ ग्रीजियन अर्न अर्न क्या होता है अर्न एक बड़े वाज की तरह होता है कलश की तरह होता है जिसके अंदर एंशन ग्रीक सोसाइटी में जो क्रीमेटिड uh, बॉडीज़ होती थी ऑफ डियर वंस उनको स्टोर करके रखा जाता था हम जैसे हिंदुज़म uh, में आपने जैसे असल uh, देखा होगा कि बॉडीज़ को जला के आप उनको किसी होली रिवर में एशेस को आप कर देते हैं फ्लो कर दे करवा देते हैं राइट यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं स्कैटर कर देते हैं एशेस को रिवर पे यहाँ पर ऐसा नहीं है एनशिय ग्रीक सोसाइटी में बॉडीज़ को बर्न किया जाता था लेकिन ऐशीज एशेस को स्प्रेड स्प्रेड अवे नहीं किया जाता था इनफैक्ट उनको इस अर्न में स्टोर करके घर में एक जगह पर रख लिया जाता था तो एक एंशिय ग्रीजियन अर्न है ग्रीजियन मतलब ग्रीक जॉन कीट्स की लाइफ में ग्रीक आर्ट ग्रीक पोइट्री ग्रीक कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और उन्होंने ग्रीक आर्ट को एक सिंबल की तरह देखा है और यूज़ किया है अपनी पोएम्स में एज अ सिंबल ऑफ़ आर्ट एज अ सिंबल ऑफ़ लव एज अ सिंबल ऑफ़ लाइफ एंड इटर्निटी इसलिए उनको सभी रोमांटिक पोइट्स में से सबसे ज़्यादा हेलिनिस्टिक पोएट बुलाते हैं उनको ग्रीक पोएट बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं हेलेनिस्टिक मतलब उनकी मेजॉरिटी थीम्स मेजर थीम्स ग्रीक बेस्ड थी ग्रीस से आई हैं इसलिए उनको हेलेनिस्टिक बुलाया जाता है दिस पोयम इज एन ओड टू द आइडिया ऑफ इमॉर्टलिटी दैट वन फाइंड्स इन आर्ट उनका कहना है कि इंसान आते जाते रहते हैं लेकिन आर्ट अपनी इटर्नल नेचर से ह्यूमन लाइफ ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन एफर्ट को इमॉर्टलाइज कर सकती है इवन द ह्यूमन फिगर्स इन द आर्ट फॉर्म आर फ्री ऑफ एजिंग एंड इमोटैलिटी क्योंकि पोएम वेरियस स्टैंडा से गो थ्रू करती है तो वो एक एक स्टैंडा में आपको एक एक सीन एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि पहले सीन में वो बताएंगे देर इज अ मैड परस्यूट ऑफ दिस वुमन हु इज रनिंग फ्राम दि फ्राम हर परस्यूअर्स सेकेंड स्टैंडा में वो बताएंगे देर इज दिस लवर जो कि उस और एक पेड़ के नीचे बैठा है उसकी बिलाविट उसके गोद में से रख के लेती है और वो उस लवर को बोलता है इट इज़ सो ग्रेट कि तुम्हारी बिलाविट कभी ओल्ड नहीं होगी ओल्ड एज से कभी इम्पेक्टेड नहीं होगी, उसके चीक्स हमेशा ही रहेंगे बिकॉज शी इज स्ट्रक इन दिस फ्रेम ऑफ टाइम जो उस ग्रीजनर में है सो so, इसलिए वो उसको अप्रिशिएट करता है फाइनली देन वो थर्ड स्टांजा में बताता है कि uh, ये जो ट्री है जो तुम्हारे ऊपर इस वक्त फैला हुआ है जिसके बावों में तुम बैठे हो ये ट्री के लीव्स भी कभी फॉल नहीं करेंगे इनका कभी फॉल नहीं आएगा इनका कभी ऑटम नहीं आएगा फाइनली फिर वो बताते हैं इन द फाइनल स्टैंड आर दैट एक गाँव है वहाँ पर एक यंग हाइफर को सेक्रीफाइस uh, के लिए लेकर जाया जा रहा है टू अ ग्रीन ऑल्टर एंड देट इज़ अ प्लीज हुए टू कैरी आउट दैरेमनीज नाउ द पीपल ऑफ द विज हैव लेफ्ट द विलेज अ लोन बिकॉज दे आर सपोज टू गो टू दिस सेरेमोनी हाउ एवर दे विल नेवर रिटर्न बैक सो कैसे उस ग्रीजन अर्न पे जो इमेजेस डिस्क्राइब्ड हैं कैसे उनके थ्रू वो आर्ट लाइफ इमोटैलिटी के थीम्स को एक्सप्रेस करते हैं इट इज़ क्वाइट ब्यूटी एंडिंग लाइन बहुत बहुत फेमस हैं और कोटेड हैं कई बार पूछी जाती हैं ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो ये बहुत ही फेमस क्लोजिंग लाइन्स हैं इस पोएम की पोएम के फाइनल स्टांजा में पोएट स्पीकर उस ग्रीजे ने उनको अपने हाथ में उठाता है और उससे डायरेक्टली पूछता है कि तुम इतनी इटर्निटी से हमारे साथ हो इतने सारे ह्यूम इतनी सेंचुरीज तुमने देखी है एक ऐसा क्या मैसेज है जो तुम ह्यूमंस को देना चाहोगी तो फाइनल मैसेज वो ह्यूमंस को ये देती है दैट ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी तो वो लाइफ के बिगेस्ट ट्रूथ को ब्यूटी से इक्वेट करते हैं और ब्यूटी को लाइफ के बिगेस्ट ट्रूथ से इक्वेट करते हैं दैट इज हाउ ही राइट्स द पोएम नेक्स्ट वी लुकिंग एट दिस ग्रेट पोएम ऑफ हिज विच इज हाइपीरियन हाइपीरियन एक इनकम्प्लीट एपिक पोएम है ठीक है अबैंडेंड एपिक है उसको जब फिर से लिखने का उनका मन किया तब वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए उसकी जगह उन्होंने दूसरी पोएम शुरू कर दी द फॉल ऑफ हाई पीरियन इवेंचुअली वो उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाए रीज़न रहा इनकी हेल्थ का इशू बीच बीच में इनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होती रहती थी जिस वजह से ये पोएम को कम्प्लीट नहीं कर पा रहे थे सो so, ये पोएम का थीम है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ टाइटेनो सो इन आवर In our Roman mythology, we are told about this great war between old generation gods and the new generation gods. So, the old generation gods were titans, they were um, defeated by the new generation gods, who were the Olympians.

अपोलो के सर पे हाथ रख के उसको विजन देती है और uh, when फाइनली ही हैज़ गेन दैट विजन एट सम पॉइंट there the द ends उसके आगे वो उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो इस पोयम के कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि we हैव सैटन द किंग ऑफ गॉड्स ओप्स इज सैटन वाइफ थिया इज सैटन सिस्टर एंड सिलॉडस इज द गॉड ऑफ वॉर और शैनस इज द गॉड ऑफ सी हाई पीरियन इज़ द गॉड ऑफ सन थी इज़ द पर्सन हु इज़ ऑल्सो द गॉड ऑफ पोइट्री एंड म्यूजिक और यही है वो जिनकी पोजिशन आगे अपोलो लेंगे हु इज एन ओलम्पियन देन वी हैव क्लाइमिंग इज अ यंग गॉडेस सो ये कैरेक्टर्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में बनते हैं नाउ वैन ही थाट दैट ही वुड कम्प्लीट हाईपीरियन ही स्टार्टेड राइटिंग अनादर पोएम विच इज़ द फॉल ऑफ हाईपीरियन सो फॉल ऑफ हाईपीरियन में हाईपीरियन के कैरेक्टर पर ही फोकस है वो कैसे अपनी फाइनल पावर्स को लूज़ कर रहा है सो so, रीवर्किंग uh, है हाईपीरियन का ही और ये पोएम ड्रीम विजन पोएम है मतलब इस पोएम के बिगनिंग में हमारा स्पीकर एक स्लंबर में चला जाता है नींद में चला जाता है उसको ड्रीम आता है उस ड्रीम में वो एक uh, ग्रीक टेम्पल के थ्रू गुजर रहा है और वहाँ पर उसको मिलती है मोनेटा मोनेटा इन दिस पोयम इज़ द गॉडेस ऑफ मेमरी मोनेटा उसकी अशर भी है वो उसको बुलाती है एंड फाइनली उस पोएट को विज़न देती है उस विज़न में वो देखता है हाईपीरियन को टुवर्ड्स द वेरी एंड जब वो फाइनली अपनी फाइनल पावर्स को एक्सरसाइज़ कर रहा है लूज़ कर रहा है उस पॉइंट पे स्पीकर को हाईपीरियन का विज़न दिखता है और वो बोलता है कि मुझे अब सब दुनिया की सच्चाई पता लग गई है क्या हुआ था मुझे वो दिख गया है अगेन इन नोट्स पर यह पोएम एंड हो जाती है एंड इस नोट पर हमारी क्लास भी एंड हो जाती है तो हर बार की तरह आज की भी इस क्लास में मैंने एक क्लास में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम रेडी पॉइंट्स और नोट्स बता दिए हैं जो आपके लिए आने वाले क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं कल की क्लास में हम सिमिलरली पी बी शैली को उठाएंगे और उनकी पोएम्स को भी सिमिलरली अप्रोच करेंगे सो so, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन on. टी जी टी पी जी टी आटा ट्वेंटी फोर सेवन साथ ही साथ आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ डबल वैलिडिटी ऑफर भी आज शाम से लाइव हो रहा है तो अगर आप में से कोई टीचिंग का महापैक में एनरोल करने का सोच रहा था तो दिस इज़ एप्सोल्यूटली द राइट टाइम यू कैन यूज़ द कोड वाई फाइव फोर टू मैं बताती ही हूँ आपको कोड यूज़ कर लेना वाई फाइव फोर टू इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव अ वेरी गुड डे टेक केयर बाय बाय